में भी काफी देर है, अभी सब करवाएंगे आप ऐसे थोड़ी हम तो ढूंढेंगे खराब आपको भी नहीं आप कैसे बचेंगे मैं कौन थोड़ा हेलो ओ भाई मेरी बीवी ने पैंट शर्ट डाल के दिया था, ये प्रेस करा के पहन लेना, प्रेस प्रेस तो जाकर थोड़ा चेंज कर लिया था। उससे आके मैंने प्रोग्राम पूछा, अगर क्या प्रोग्राम है, मेरा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, फिर ठीक है, ट्रैक पढ़ना है, बहुत दौड़ना है। ये सर्विस ठीक सही है सर आपकी, क्या यार यार तो हो जाता हम मछली भी पकड़ लेते चलिए चलिए वैसे इसकी जरा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, खुशी ने मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि वो नाम करी क्योंकि मैम का जो एक्शन है वो भी बहुत टेढ़ा ही है। नहीं एक्चुअली में इस फिल्म का चक्कर ये है कि इसमें इश्क टेढ़ा ही है, इसलिए मुझे लगा कि उस वजह से हाँ बड़ा टेढ़ा इश्क है इस फिल्म का। सस्पेंस इज कमिंग। तो हमारे बीच में ऋषिता भट्टी हैं जिन्होंने कि 2001 में अशोका से शुरुआत की और बहुत सारी सक्सेसफुल मूवी दी, आपका स्वागत है। साथ के साथ जिन्होंने आते ही अपनी कॉमेडी से अपना परिचय दे दिया है हमारे बीच में माननीय मनोज बाबा जी हैं, आपका स्वागत है। और इस मूवी को जिन्होंने प्रोड्यूस किया है दीपक जी सर हमारे साथ हैं, सो आप सबका स्वागत है। ये एक ऐसी आजकल स्पेशली जब हम इशू बेस्ड फिल्म्स बनाते हैं सब, आई थिंक इट्स अ वेरी एनकरेजिंग स्टेप। हमारे जो डायरेक्टर है वो जो मौजूद नहीं है यहाँ पे, जो जो डिसूजा एंड दीपक जी ने जिन्होंने प्रोड्यूस किए फिल्म, टू टेक अ स्टेप एंड मेक अ प्रॉपर बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म जहाँ पे आप एक इशू को मेन सब्जेक्ट बनाते हैं। इट्स अ रियल लाइफ इंसिडेंट, एक लड़की की एक्चुअल कहानी थी। जब उसको पता लगता है कि उसकी माँ के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम है, शी इज अब हम उसे नाम देते हैं साइकोलॉजी में स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया। कई बार लोग कहते हैं यार ये तो सनकी है, साइको है, एटसेट्रा एटसेट्रा नाम दिया जाता है, बट आई थिंक इट्स अ मेंटल डिजीज। लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दैट ऐसी भी एक बीमारी है जिसको मेडिकली हमने ट्रीटमेंट तो निकाली है, बट आई गेस इट टेक्स टाइम बिकॉज इट्स ऑल टू डू विद योर इमोशंस एंड कमर्शियल एलिमेंट भी रखे। इट्स अ लव स्टोरी, एक ऐसी कहानी है जहाँ पे मेरा जो किरदार है वो उसका नाम है कल्पना, जो उसका जो स्प्लिट होता है शी इज लैला देयर, सो आई प्ले कल्पना एंड लैला। आई थिंक एक फिल्म में दो रोल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर इट्स बीन वेरी वेरी चैलेंजिंग। स्पेशली जब मनोज जी के साथ मेरा एक इंटरेक्शन होता है तो ही प्लेज माई बॉस वेयर आई एम वर्किंग, एंड कई बार ऐसे होता है ना कि शायद वो एक अपने नॉर्मल चल रहे हैं तो उनको भी समझ में आता नहीं है। तो द होल जर्नी ऑफ दिस वन गर्ल कल्पना एंड हाउ पीपल डिस्कवर कि उसके साथ क्या है, तो एक मिस्ट्री बनी रहती है, एक थ्रिलर है, एंड कई बार ये लगता है कि शायद वो जानबूझ के कर रही है, कई बार ये लगता है कि ऐसे एक्सप्रेशन मनोज जी के होते हैं फिल्म में। So, but I think it's a serious and yet a very unfortunate. वो जो फिल्म है अबाउट अ कैरेक्टर जो कि एक जो डिजीज है जो कि स्प्लिट पर्सनैलिटी हो, उसको पता नहीं चलता कि कभी एकदम ऐसा बिहेव करने लग जाती है और उसी थोड़ी देर बाद बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करती है, तो आपको समझ में आता है कि ये ऐसा है ये वैसा है। तो साथ में जो उसके लोग हैं, उसकी फैमिली है, उसका जहाँ ऑफिस में काम करती है वहाँ पे है, कंफ्यूज होता है कि ये जान के कर रही है, पागल बना रही है, क्या है ये, कैसा हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ। उसमें मेरा कैरेक्टर जो है कि वो जिस ऑफिस में ये काम करता है कैरेक्टर जो है कल्पना, और दूसरी जो लैला जो
अलग अलग जो कैरेक्टर है, जो एक ही एक्चुअली है कैरेक्टर जो बदल, उसमें वो उनके जो बॉस हैं उसका कैरेक्टर का रोल है। तो आई थिंक हर किरदार में शेड्स हैं, अच्छे बुरे दोनों हैं। इनफैक्ट एंड में ऐसा भी जो इस कैरेक्टर के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी एक कहानी है, दैट हाउ दे सी हर थ्रू इट, यू नो, बिकॉज स्पेशली जब फिल्म में आई एम द लव ऑफ माई लाइफ, हाउ वो मुझे सी थ्रू करता है थ्रू दिस जर्नी अलॉन्ग विद ऑल द अदर पीपल इन्वॉल्व इन माई लाइफ, एंड आई थिंक it will touch your heart for sure and you will definitely feel a bit, you know, like goosebumps aa hi jayenge aapko ki is this real, but it is real, it is so aapke opposite lena hai. I mean, jokes apart, yes, Mohit was not here with us today, he plays the love of my life and my husband and we discover how wo hota hai. कुछ मैं ज्यादा देना नहीं चाहूंगी आपको कहानी के सब्जेक्ट में, बिकॉज आई थिंक यू शुड वॉच द फिल्म एंड गो थ्रू दिस जर्नी ऑफ कल्पना एंड लैला। इट्स बिन अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड आई एम श्योर आप लोगों को पसंद भी आएगी। एक क्वाइट टचिंग स्टोरी ऑफ दिस गर्ल एंड यू विल एम्पैथाइज विद हर। प्रोड्यूसर बैठे हैं वो भी पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, इसलिए हम जयपुर आए हैं, जयपुर आज राजस्थान में से वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी एंड आई थिंक वेरी सून यू विल सी देम ऑन। It's already trending on Saavan Gaana and the digital portals. और जब आप probably थोड़े दिन में टीवी पे आपको दिखेंगे गाने, दो बहुत ही अच्छे, तीन गाने अच्छे हैं आपके से पूरा एल्बम है, बट आई थिंक एक के बाद एक प्रमोशन होगी स्टार्टिंग। आप बीच में गायब हो गई थी, क्या कह रहे हैं? मैं हमेशा गायब होती हूँ शुरुआती विलंब के साथ। मैं गायब ही होती हूँ, आ जाती हूँ एंड मैं, मेरा एक ही, मेरी एक जर्नी रही है, मैं जब कोई काम होता है तब आप मुझे देखेंगे, अदरवाइज मैं अपने में, आई एम वेरी हैप्पी, माई फिल्म्स विल टॉक फॉर मी एंड आई थिंक आई लाइक टू कैरी दैट जर्नी फॉर हिम। शादी की जर्नी कैसी रही, साल भर हो गया? ओह या आई नो यू, थैंक यू, सो फार सो गुड एंड थैंक यू, बट यस I think with that I finished this one film also. So last year shooting pe bhi thi and then now I'm releasing. We are releasing this film. So it's been good. Manoj ji, aap bataye. Main to apna as a character actor apna chota mota matlab jise kehte hain chote sa apna ek thela laga rakha hai. Wo chalta rehta hai aur wo abhi wohi main bata raha tha ki bhai एज एन एक्टर तो बहुत दिल करता है फिर बार अलग अलग तरह के रोल करें, लेकिन अब क्या करें, वो एक आदमी की दुकान से मिठाई खोली, वो तो बहुत वैरायटी बेचना चाहता है लेकिन अब उसके समोसे ही हिट हो गए और आदमी समोसे ही मांग रहा है ना, तो वो ठीक है उसको बंद कर दे या तो एक ऑप्शन है और बोले नहीं अब तो मैं सिर्फ कचौड़ी या अब तो मैं वही कल वही बेचूंगा, तो फिर घर पर बैठ जाए, मुंबई में रहना घर तो चलाना ही है ना, तो चलो जब तक समोसे बिक रहे वो खाल बेच लेते हैं, माल पानी अंदर कर लेते हैं और फिर जब कोई बीच बीच में आते रहते हैं इंटरेस्टिंग रोल भी आते रहते हैं वो भी करते रहते हैं। आपने जब शुरू, मैं जब दिल्ली में था तब पहला कहना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में जो पहला डेली सोप जो था हम लोग, वो शुरुआत हुई थी, तो जब उसको कॉन्सेप्ट आया था तो हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ था कैसे कैसे टेलीविजन पे हफ्ते में तीन बार प्रोग्राम आएगा और हफ्ते में तीन बार प्रोग्राम आएगा और एक एपिसोड के जो है 500 रुपए मिलेंगे, तो अगर एक आदमी तीन हफ्ते में तीन एपिसोड करेगा तो हफ्ते में 1500 रुपए वहां आएगा, तो हमने डिक्लेयर कर दिया था ये कोई फ्रॉड कंपनी है जो कि एक्टर को बेवकूफ बनाने के लिए आई है, इतना पैसा मिल नहीं सकता कभी इसी एक्टर थिएटर में थे ना, कभी महीने दो महीने में 100 रुपए मिलने तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो इसलिए हमें विश्वास ही नहीं हुआ था, लेकिन फिर वो हुआ और वो इतना पॉपुलर हुआ, फिर उसके बाद फिर बुनियाद और उसके बाद टेलीविजन का एक बहुत अच्छा दौर रहा। तो मैं कहूंगा कि हम लोग उस वक्त लकी थे कि उस वक्त एक अच्छा दौर था टेलीविजन का जिसमें अच्छे सब्जेक्ट आते थे टेलीविजन पे, मैंने बहुत अच्छे अच्छे 15 साल कहना चाहिए 17-18 साल मैंने सिर्फ टेलीविजन ही किया और बहुत अच्छा अच्छा काम किया। ऑफिस ऑफिस लास्ट सीरियल था हमारा जो काफी 6-7 साल चला, लेकिन उसके बाद से वो टेलीविजन का दौर जब चेंज हुआ और डेली सोर्स बनने लग गए उसके बाद से फिर नहीं कर पाया कि फिर ये डेली वाला जॉब जो है वो थोड़ा
वो फिल्म में करते हैं अच्छे अच्छे अलग अलग कैरेक्टर्स. From a friend, and we realized that they were true life incidents of what happened to a particular girl, particular lady, unke family mein, unke life mein. And the director is a close friend. We've been associated for over 20 years in other businesses, in other creative works. So he came and said that he's got this real life story aur movie banana chahte hain, commercial Bollywood film. And usne script likha. And he identified the cast and the characters that would take up those roles. I like the concept, I like the idea. And I, of course, fell in love with the cast when they started showing what they were doing. And I think the journey was great. So basically real life story and something that we believed in. So.